के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरों के पास से बाइक समेत अन्य सामान बरामद। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों ने मोदी के कार्यक्रम को लाइव सुना और देखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का पशुधन राज्य मंत्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। की गौ पूजा, विभिन्न स्टालों का अवलोकन के बाद कहा पशुओं से बढ़ती है कृषि की आमदनी। फर्जीवाड़ा का ट्रक लदा गेहूं बेचते 3 जालसाज चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने किया खुलासा। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की बैठक, कहा उद्यमियों की समस्याओं का शीघ्रता से किया जाए निस्तारण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत पशुचिकों को यूनिफॉर्म किया गया वितरण। 2 पूर्व पार्षदों के निधन और पुलवामा में आतंकी हमलों में शहीद सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देकर नगर निगम सदन की बैठक हुई स्थगित, 3 मार्च को होगी अगली बैठक। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित हुआ पीएफएमएस प्रशिक्षण कार्यक्रम, वक्ताओं ने कहा सरकारी धन के लेन देन करने का उत्तम तकनीक है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। विंग कमांडर अभिनंदन के सलामती और साकुशल रिहाई के लिए कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा पाकिस्तान को इस कुकृतियों के लिए भारत सरकार दे मुंह तोड़ जवाब। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के सलामती और साकुशल भारत वापसी के लिए कांग्रेस ने किया मुबारक खां व सपा ने की नक्को शाह के मजार पर चादरपोशी। विलुप्त हो रहे लोक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए खत्री महिला कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ ग्रुप डांस प्रतियोगिता, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने लिया हिस्सा। और अखिल भारतीय प्राइज मनी महिला आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता में नेशनल हॉकी एकेडमी दिल्ली और हॉकी एकेडमी ग्वालियर के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर। शुक्रवार से शुरू होगा क्वार्टर फाइनल मैच।